वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइटिंग इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए उनका आंसर देता हूँ और आपको स्पेशल टिप भी देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुन लो अभी मेरी बात। न्यू प्लेयर्स जो अभी तक लेवल शील्ड लेवल 60 तक पहुँचने के या पहुँच रहे या पहुँच चुके हैं, उन लोगों के लिए वो एक टीम बना रहे हैं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट खेलने के लिए, बराबर। अब वो टीम बना रहे हैं, बनाते समय उनको कौन सी टीम चाहिए ये मुझे पूछते हैं, मेरे कमेंट्स में पूछते हैं, तो हर जगह पूछते रहते हैं, तो मैं बता देता हूँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना के दिखाया मैंने आपको, फाइव टीम्स इसमें, फाइव टीम्स उसमें, फाइव टीम इसमें, फाइव टीम ये, फाइव टीम वो, लीडरशिप ये, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो ये सब मैंने सब कुछ बताया। अब कुछ लोग पता है, कुछ लोग को नहीं पता, तो अभी थोड़ा सा देख लो अभी ध्यान से। अप्रॉक्सिमा मिडनाइट के अगेंस्ट में मैंने आपको फाइव टीम्स बताया था। अब ये फाइव टीम्स मिलेंगी कहाँ? बहुत सिंपल है, आपको तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, एक टीम रेडी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले मेन एवेंजर्स को पावरफुल करो, उसके बाद में जो बाकी के कैरेक्टर्स है वो एक एक करके आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल डेडपुल और वोल्वरिन, डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएंगी कहीं ना कहीं जाकर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा अगर आपके पास में सोल्यूशन निकला हो तो, सही तरीके से यूज़ ना करोगे तो वो भी निकल जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आप लोग टीम कौन सी बनाओगे बता देता। एक तो नॉर्मल टीम होंगी आपके पास, सबसे पहले तो होंगे कैप्टन विदाउट यूनिफॉर्म ये वाले इसमें, ठीक है। अब ये अपने आप लोगों ने किसी भी करके मतलब प्ले करके आपने सिक्स स्टार का कर दिया। अब सिक्स स्टार का करने के बाद इसको कर दिया आप लोगों ने टायर टू। अब टायर टू होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन ले लेता हूँ एग्जांपल समझाने के लिए, यहाँ पर स्पाइडरमैन ले लिया, यहाँ पर स्पाइडरमैन का नॉर्मल सूट ले लेता हूँ जो इसका ओरिजिनल सूट है, ये सूट ले लिया, इसको मैं कर दिया टायर टू। अब टायर टू करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है ये स्पाइडरमैन। यहाँ पर देखो वायलेट कलर का लोगो है, दो जिसके ऊपर दो नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं टायर टू। अब ये टायर टू का बोनस देख लो यहाँ पर, इसको बोलते हैं टायर टू, ठीक है। ये टायर टू कर दिया। अब टायर टू करने के साथ साथ बाकी के जो इसके अंदर चीज़ें हैं, ये चीज़ है, उसके बाद में कार्ड्स है, ये सब आपको धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। जैसे सिक्स स्टार का करना है उसके अंदर अच्छे स्टेट लाना है। अब ये स्टेट क्या चीज़ है बता दो, यहाँ पर कार्ड में, यहाँ पर इफेक्ट देखो, यहाँ पर एक कोई भी कार्ड ले लो नॉर्मल, उसके अंदर जो आपको दिखाए गए है ये इफेक्ट्स है, ये स्टेट है। ऊपर वाले फिक्स है जो उसके अंदर सिर्फ नंबर चेंज होंगे, उसके अंदर का जो ये सब है वो कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद में जो वाइट वाले या ब्लू कलर का बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये हमेशा चेंज होते रहता है, नंबर भी चेंज होते हैं और इसके अंदर जो स्टेट आने वाले हैं वो भी चेंज होते रहता है। तो ये जो अच्छे से अच्छा स्टेट लाना है आपको गेम के शुरुआत के साथ साथ, बहुत लंबा समय लगता है इस चीज़ के लिए, तो अगर आप फोकस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में अपने सबसे पहले तो 6 टीम 8 टीम 9 टीम 10 टीम जो भी आपकी टीम बनती हो उसको रेडी करो। मैं आपको सबसे पहले बेसिक टीम बताता हूँ, कैप्टन, स्पाइडर, थॉर, आयरन मैन ब्लास्टर कैरेक्टर में, उसके बाद में बकी और ब्लैक विडो को ले लो सपोर्ट टीम के लिए। उसके बाद में फिर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर जो बहुत मेहनत करने के बाद सिक्स स्टार के होंगे, वोल्वरिन, डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपूल, ये तीन कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के बाद। बहुत टाइम लगेगा इन सबको अचीव करने में, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग से अगर करोगे तो हो सकता है आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर इन टीम को सबसे पहले तो अपग्रेड कर लो, सिक्स स्टार का कर लो, उसके बाद में टायर टू कर लो। टायर टू करने के बाद आपको कुछ कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर कैप्टन अमेरिका शेरन रॉजर्स, ये टीम, ये जो कैरेक्टर है इसके आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेशली बहुत ज़्यादा। उसके बाद में कोल्सन और वास्प, और ग्रूट कहाँ गया ये रहा, इन कैरेक्टर को ले लेना। ये कैरेक्टर एक बार आपके हाथ में आ गए, एक बार आपके पास में आ गए, इसके बाद इनको टायर टू करके इनका जो टायर टू का पैसिव बोनस जो है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। ग्रूट का आप रिकवरी के लिए ले सकते हो, क्या मैंने आपको दिखाया था इसके पहले वीडियो में, मैंने कैप्टन को रिकवर करते हुए दिखाया था बिना CTP के, उसके पहले भी वो रिकवर कर रहा था, लेकिन ग्रूट के साथ जो बाकी टीम मेंबर है वो रिकवर नहीं करती। थॉर भी रिकवर होता है ग्रूट के साथ अगर लगाया जाए तो टीम मेंबरशिप में। उसके बाद में कोल्सन का यहाँ पर सुपर विलन टाइप डैमेज मिल जाता है आपको,
उसके बाद में वास्क का यहाँ पर डिबफ मिल जाता है, सभी कैरेक्टर में से जो बफ्स है वो भी रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कैरेक्टर है तीनों, उसको भी अचीव कर लेना मेन जो आपका बेसिक कैरेक्टर वो बनने के बाद। उसके बाद में कुल लीडरशिप वाले कैरेक्टर है भी कुछ कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर एशियंट वन है 45% एनर्जी अटैक ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर यूनिफॉर्म के साथ स्टार लॉर्ड है 50% एनर्जी अटैक ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर के लिए। उसके बाद में यहाँ पर वार मशीन देखने को मिलता है, बेसिक कैरेक्टर है 30% फिजिकल अटैक इंक्रेस ऑल अलायंस। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको टोकन से वगैरह परचेस करना पड़ेगा, जैसे दो कैरेक्टर है एंट मैन और अल्सा ब्लूस्टोन, ये आपको टोकन से परचेस करना पड़ेगा। आप टाइमलाइन बैटल अलायंस बैटल अगर खेलते होंगे तो उसमें से आपको टोकन्स मिलेंगे, वो टोकन्स का इस्तेमाल आप ये दो कैरेक्टर के बायोमेट्रिक्स अचीव करने के लिए कर सकते हो। उसके बाद में और बहुत से कैरेक्टर है जिनका आप लोग बायोमेट्रिक्स अचीव कर सकते हो। उसके बाद में आपको कुछ स्पेशल मिशन में ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन उतने ज़्यादा पावरफुल है जो आपको काम आएंगे, इन्फर्नो वल्चर। उसके बाद में बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो आपको मदद करेंगे, उसके बाद में अल्सा सॉरी हॉकाई केट बिशॉप, ये भी काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है, इसको भी धीरे धीरे करके आप लोग अचीव कर लेना। उसके बाद में आपको ऐसे बहुत से कैरेक्टर मिलेंगे। उसके बाद में एरन हैमर लेटेस्ट कैरेक्टर है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको थॉर में टीम मेंबरशिप चाहिए तो लोकी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में हेला है, हेला के पास 45% एनर्जी अटैक ऑल अलायंस के लिए, तो वो भी लीडरशिप के लिए कैरेक्टर अच्छी है, तो उसको भी आप लोग अच्छी कर सकते हो अगर आप लोग चैप्टर 12 क्रॉस कर जाओगे तो। अब कुछ लीडरशिप यहाँ पे कैरेक्टर में बस लीडरशिप वाले, यहाँ पर डेथलॉक है, उसके बाद में यहाँ पर गोलियत है 45% फिजिकल अटैक, इसका क्या नाम है भूल गया मैं वापस से, इसका नाम भूलते रहता पता नहीं क्यों। गॉर्गन है 45% फिजिकल अटैक के साथ। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर है जो आपको देखने को मिलेंगे स्टोरी मिशन में, इनका अगर यूनिफॉर्म और अच्छे तरीके से परचेस कर लिया जाए, टायर 2 कर लिया जाए, अपग्रेड कर लिया जाए, तो ये लोग शैडोलैंड के स्टेज में कुछ कुछ स्टेज में आपको काम आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको सॉन्गबर्ड वगैरह देखने को मिलेंगी, तो ये भी काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है, कुछ कुछ जगह पर अच्छे तरीके से वर्क कर ले दिया। उसके बाद में थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर के लेवल पे आने के बाद आपके पास में अच्छा खासा मटेरियल अगर जमा हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग नोवा एंटीमन ब्लू मार्वल ऐसे कैरेक्टर को ले सकते हो, इनके बायोमेट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। वल्चर आपको मिल जाएगा स्पेशल मिशन में, अगर आप ऑटो प्ले करते हो तो आपको इसका बायोमेट्रिक्स मिल जाएगा, इसको भी आप लोग 6 स्टार करके जब सुपर विलन टाइप स्पीड टाइप कैरेक्टर का जब डे आएगा तब उस दिन उसका वल्चर का इस्तेमाल करके डैमेज प्रॉक के साथ एबीएक्स करके आप लोग बेसिक जो रिवार्ड्स है वो लोग आप लोग हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ब्लू मार्वल है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में बाकी के जो कैरेक्टर वो भी आप लोग हासिल कर सकते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अपने आप को अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते जाओगे वैसे वैसे। यहाँ पर कुछ न्यू एवेंजर्स के मेरे पास कैरेक्टर्स है जो मेरे पास कुछ खास अपग्रेड नहीं किया मैंने, जैसे कि यहाँ पर वाइट टाइगर है और बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको मैंने खास अपग्रेड नहीं किया, क्या नाम है इसका, ग्रीन गॉब्लिन वगैरह। उसके बाद में यहाँ पर किंग पिन है, ब्लेड है, ऐसे कुछ कैरेक्टर है जिनका अपग्रेड नहीं किया कुछ खास मैंने। उसके बाद में यहाँ पर नोवा भी है जिनको मैंने अभी तक कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, उसके जहाँ तक उसकी प्रॉब्लम ये है उसके बायोमेट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मेरा, सिर्फ 8 बायोमेट्रिक्स है मेरे पास, सिर्फ 8। उसके बाद में कुछ लोग बोल रहे थे कि कोलोसिस का बायोमेट्रिक्स कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर जो है कोलोसिस का जो बायोमेट्रिक्स है वो आपको मिलेगा एक तो मंथली बोनस डील एक्स गेट एक्स जेन डेली जो पैक है, जो डेली पैक है जो परचेस करना पड़ेगा वहाँ से डेली 20 बायोमेट्रिक्स मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो। और दूसरी एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको ऑटो प्ले पे रखता हूँ तो यहाँ से उसका बायोमेट्रिक्स मेरे ख्याल से मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए ऐसा कुछ बोल सकता हूँ मैं। चलो इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले वापस से टॉपिक पे आते हैं। हेला
उसके बाद में और सपोर्ट टीम कैरेक्टर आपको ऐसे लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी पावर कहाँ जाके इंक्रेस होगी। उसके बाद में अभी बेसिक टीम आपने रेडी कर ली, उसके बाद में बेसिक टीम रेडी करने में जैसे एग्जांपल टायर टू कर लिया, जैसे आपको मैंने अभी स्पाइडरमैन करके दिखाया, यहाँ पर करके दिखाया मतलब एक एग्जाम्पल है, टायर टू है मेरे पास। तो इस तरीके से अगर कैरेक्टर को टायर टू करते हो, उसके बाद में कार वगैरह में इंप्रूवमेंट करते हो, उसके बाद में अलायंस में अच्छे अलायंस में जो काफ़ी पावरफुल अलायंस है 30 नंबर का वगैरह, तो ऐसे अगर अलायंस में ज्वाइन होते हो तो आपकी पावर्स दुगनी हो जाएंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने लगेंगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देख रह सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको टच करके दिखा रहा हूँ, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 14% है मैक्सिमम, सभी जो है वो सब कुछ 14% है और स्किल कोल्डन ड्यूरेशन 14% है, तो ये सब मिलाकर आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। अब ये सब टीम एक बार आपने रेडी कर लिया, जैसे एग्जांपल कैप्टन टायर टू कर लिया, आयरन मैन टायर टू कर लिया, उसके बाद में स्पाइडरमैन टायर टू कर लिया, ब्लैक विडो टायर टू कर लिया, हल्क टायर टू कर लिया, ये सब टायर टू होने के बाद आप लोग चैप्टर कर लोगे, 12 तक पहुंच गए, 13 तक पहुंचे आप। 13 में कुछ कुछ जगह पे दिक्कत होती है, अब कुछ जगह पर 11, 12, 6, 12, 7 में वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगर आपके पास में अच्छा खासा समझ लो एग्जांपल अल्टीमेट वर्ल्ड बॉस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो अनलॉक कर लिया आपने, या फिर ऐसे समझो कि कैप्टन को ज़्यादा पावरफुल कर लिया आपने, टायर थ्री कर लिया, या थॉर को टायर थ्री कर लिया, कार्ड थोड़े अच्छे लगा लिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्विक सिल्वर जैसे कैरेक्टर की या स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए या क्लियर करने के लिए, अगर आप इन बेसिक कैरेक्टर को टायर थ्री कर लेते हो तो। अभी बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका टायर थ्री आने में काफ़ी कितना समय मैं भी नहीं जानता, नेक्स्ट अपडेट कब आएगा वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी अंदाज लगा सकता मैं कि कितने दिनों तक आ सकता है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर तो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल इजी स्टोरी मिशन से, आपको यूनिफॉर्म अपग्रेड करना पड़ेगा, बाकी के जो चीज़ें हैं वो भी आपको लगानी पड़ेंगी, आईएसएट ऑब्लिस्क सीटीपी जो भी आपको मिलता है वो सही तरीके से सही कैरेक्टर को देंगे तो आपका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। चलो ये तो हो गया, अब कुछ ऐसे कैरेक्टर लेना पड़ेंगे आपको जो एबीएस करेंगे और उसके साथ में आपको डैमेज पॉक भी लगाना पड़ेगा। एग्जांपल आपको मैं डैमेज पॉक बताता हूँ, यहाँ पर मैं थॉर ले लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइटनिंग डैमेज चाहिए था लेकिन रेसिस्ट लगा दें और रेसिस्ट के साथ आ गया 180% का डैमेज पॉक जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बैड लग है। उसके बाद में यहाँ पर 180% का डैमेज पॉक ये जो है ये डैमेज पॉक है। ऐसे जब तक आप लोग पूरी एक टीम रेडी नहीं कर लेते, जब तक आप लोग वर्ल्ड बॉस खेलने लायक 5 टाइम्स खेलने लायक एक टीम नहीं बना लेते तब तक डैमेज प्रॉक मेरे ख्याल से आप लोगों को यूज़ करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मिलता भी है तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी मिशन में काम आएगा, स्पेशल मिशन में काम आएगा, कुछ खास स्टेजेस में आपको काम आएगा, ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टर को आप लोग दे दो, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से डैमेज प्रॉक देना सही नहीं रहेगा। बाकी आपको टाइम लिमिटर क्रिस्टल के लिए टाइम लिमिटर ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा, हो सकता है आपके कैरेक्टर बैन हो जाए, तो ऐसे में डैमेज प्रॉक किसी भी कैरेक्टर को मेरे ख्याल से जो कैरेक्टर यूज़ जैसे एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाने के लिए थॉर यूज़ कर रहा हूँ मैं टाइम लिमिटल में क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल हासिल करने के लिए मेरा जो भी फोकस है उस क्रिस्टल हासिल करने के लिए मैं थॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर डैमेज प्रॉक जो है वो टाइम लिमिटल में काम नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा, टाइम लिमिटल में काम आने के लिए इनविजिबिलिटी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल बकी ले लेता हूँ, यहाँ पर बकी का देखो, यहाँ पर इस ऑब्लिस्क में इनविजिबल है 5 सेकंड्स का, तो ऐसे जो इनविजिबल वाले ऑब्लिस्क है ये काम आएंगे टाइम लिमिटल में और रिकवरी वाले। एग्जांपल मैं कैप्टन का यहाँ पर सीटीपी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो इसमें एक ये नीचे का पढ़ो 20% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी,
जो ऐसे स्टेट वाले रहते थे, जो ऐसे नाम वाले जो ऑब्लिस्क रहते हैं, उससे थोड़ी बहुत एचपी रिकवरी होता है। तो ये जो ऑब्लिस्क है ऐसे वाले इनविजिबल और रिकवरी, ये वहाँ पे ज़्यादा काम आएंगे न्यू प्लेयर्स के लिए। अब न्यू प्लेयर्स के पास इतने ज़्यादा कैरेक्टर तो है ही नहीं कि वो एबीएस कर सके, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। टर्म नंबर टेक है सकते हैं, लेकिन अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड और नॉर्मल मोड उनके लिए थोड़ा क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था, मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी स्कोर करने में वगैरह। एग्जाम्पल अभी का ले लेता हूँ मैं, अभी तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकता हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मैंने चालू किया था, गेम खेलना चालू किया था, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा क्रिस्टल लाने पे था, क्योंकि क्रिस्टल से मैं यूनिफॉर्म परचेस कर सकता था कैरेक्टर्स का, स्पाइडरमैन का, थॉर का, कैप्टन का, बकी का, आयरन मैन का। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म परचेस करने पे फोकस किया करता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना ढंग के कार्ड थे और ना ही ढंग का कुछ अपग्रेड था, और ना ही ढंग के मेरे पास आई सूट थे। आई सूट भी बड़े मुश्किल से मिलते थे इवेंट्स है, वो भी 6 स्टार, कभी कभार 5 स्टार, 4 स्टार ऐसे मिला करते थे। तो उस टाइम पे एबीएस करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर 6 स्टार करो, उसके बाद में टायर 2 करो, टायर 2 करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेंबर बनाने की कोशिश करो, उसके बाद में एबीएस के लिए कैरेक्टर डेवलप करना शुरू करो। जब तक आप लोग तैयार नहीं होते एक टीम को लेकर, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको टीम बताया, अभी वापस से बता देता हूँ, कैप्टन हो गया, स्पाइडर हो गया, आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया, बकी हो गया, बाकी के और हल्क वगैरह, हल्क बस्टर है, ये ऐसे कैरेक्टर। जब तक आप रेडी नहीं कर लेते बेसिक कैरेक्टर, एक टायर 2 कैरेक्टर, एक टीम रेडी नहीं कर लेते, तब तक आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। कैप्टन अमेरिका, शेरन रोजर्स, उसके बाद में क्रिस्टला, ऐसी जो लीडरशिप वाली कैरेक्टर जो अटैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे कैरेक्टर को भी आप लोग हासिल करके रखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। विकन भी अच्छा, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, आपको शैडो लैंड के कुछ स्टेजेस में रिवॉर्ड हासिल करने के लिए भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर मिल जाएगा। इसके बायोमेट्रिक्स आपको स्पेशल मिशन में मिल जाएंगे। सैंडमैन है एबीएस कैरेक्टर के लिए, उसके बाद में यहाँ पर 30% फिजिकल अटैक वाले लिजर्ट कैरेक्टर है यहाँ पर अवेलेबल। उसके बाद में क्रेवन द हंटर को उतना रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो डैमेज है उतना अच्छा नहीं है। तो इसके जगह पे आप अगर वल्चर का इस्तेमाल करते हो, सुपर विलन टाइप, स्पीड टाइप कैरेक्टर का, जब वो जिस दिन आएगा उस दिन वल्चर का अगर आप इस्तेमाल करते हो एबीएक्स करने के लिए, तो बेसिक जो स्कोर है वो आसानी से कर देगा डैमेज प्रॉक के साथ, अगर टायर 2 हो तो। उसके बाद में यहाँ पर ब्लास्ट टाइप, सुपर विलन टाइप कैरेक्टर उस दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में काइसिलेस जो है, या उलेसिस जो है उसका नाम है कैरेक्टर का, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर विलन टाइप कैरेक्टर, ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर। उसके बाद में इनह्यूमन्स में से इस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक मिनट, ये वही कैरेक्टर है क्या, मैं देख लेता एक बार। सॉरी, सर्दी की वजह से परेशान हो गया। हाँ, ये वही कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हासिल कर लो, 6 स्टार कर लो, ये आपको 45% फिजिकल अटैक देगा, जो किसी भी कैरेक्टर के लिए पावर बढ़ाने के लिए, फिजिकल अटैक बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे एग्जांपल स्पाइडरमैन, कैप्टन, बकी, वॉर मशीन, ऐसे कैरेक्टर का फिजिकल अटैक बढ़ाने के लिए ये अच्छा कैरेक्टर है, 45% फिजिकल अटैक देता है। उसके बाद में यहाँ पर क्रिस्टला, 30% एनर्जी अटैक, उसके बाद में काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है वो, विदाउट यूनिफॉर्म टायर 2 में काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है। उसके बाद में यहाँ पर मूनगल का सपोर्ट टीम ले सकते हो आप लोग कुछ सपोर्ट टीम के लिए। उसके बाद में इस कैरेक्टर का सुपर विलन टाइप कैरेक्टर, इस शैडोलैंड में जब जब सुपर विलन टाइप कैरेक्टर मांगता है उस दिन इस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। इसका नाम है मैक्सिमस, ब्लैक बोल्ट का भाई है। उसके बाद मेन एवेंजर से यहाँ से आप लोग ले सकते हो, सॉरी न्यू एवेंजर से यहाँ से आप ले सकते हो सॉन्गबर्ड को। मैं स्क्रॉलर को उतना इस्तेमाल नहीं करता, तो इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट कर, मैं उतना रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि इसको उतना इम्पोर्टेंस मत दो। विकन को लो, विकन काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, विकन आपको काम आएगा, सॉन्गबर्ड आपकी काम आएंगी। उसके बाद में वाइट टाइगर उतनी कुछ खास नहीं है, अगर यूनिफॉर्म आ जाता तो मैं बोल सकता था कि वाइट टाइगर उतनी बेस्ट है, लेकिन उतनी कुछ खास नहीं है। हल्किंग का तो नाम ही मतलब, हल्किंग नहीं, हल्किंग को छोड़ के दूसरा कुछ भी ले लो, हल्किंग मतलब।
अल्ट्रॉन ले सकते हो, कुछ शैडोलैंड की स्टेज क्लियर करने के लिए सुपर विलन टाइप यूनिवर्सल टाइप जो कैरेक्टर आते हैं, तो थोड़ा बहुत एब्यूज करने के लिए वो भी कैरेक्टर आपके काफ़ी काम आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग कैप्टन के साथ फैल्कन की सपोर्ट टीम के लिए फैल्कन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में पुनिशर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास में क्रिस्टल है, यूनिफॉर्म है, परचेस करने की इच्छा है, आपको कैरेक्टर ज़्यादा अपग्रेड करना है तो वैसे कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक बार क्या, हमेशा बोलता हूँ कि वेनम का एंटी वेनम का सूट ले लो, इसको शिक्षा करके रखना, ये आपको वर्ल्ड बॉस में अपने सिंबल छोड़कर आपको रिकवरी होने का एक छोटा सा चांस देता है, तो वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है सूट के साथ, तो उसको ले लो, वेनम को, वेनम का एंटी वेनम का सूट ले लेना, सिस्टर करके रखना मास्टर के साथ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सपोर्टिंग में अच्छा रहेगा आपको। ब्लैक विडो को लेना है, कैप्टन को लेना है, आयरन मैन और स्पाइडरमैन को दोनों को लेना है, ये बेसिक कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है फिलहाल तो, टायर 2 की वजह से, टायर 3 की वजह से। उसके बाद में आपको अगर लगता है तो आयरन फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में चाहो तो डेडेबिल क्रिटिकल डैमेज और क्रिटिकल रेट बढ़ाने के लिए, लीडरशिप के लिए अगर आप यूज़ करते होंगे, समझो शैडोलैंड की कुछ स्टेज क्लियर करने के लिए, लीडरशिप के लिए, तो ये भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है लीडरशिप के हिसाब से। उसके बाद में आपको गोसाइड अगर लगता है सपोर्ट टीम के लिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो, इलेक्ट्रा वगैरह वो भी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ओके वही टीम है, फिर से वही टीम। यहाँ पर एक मोडॉक है, मोडॉक का जो है वो 30% एनर्जी अटैक है, सुपर विलन टाइप जब आता है ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 30% एनर्जी अटैक बढ़ाने के लिए ये एक कैरेक्टर काम आएगा, तो इसको भी शिक्षा करके रखना मास्टर के साथ, तो ये 30% एनर्जी अटैक देगा। अब यहाँ पर चैप्टर 8 में ब्लैक पैंथर जैसे कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छे हैं यूनिफॉर्म के साथ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। उसके बाद में थॉर और ब्लैक बोल्ट, इन लोगों को शिक्षा करके टायर 2 कर देना जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है यूनिवर्सल टाइप कैरेक्टर है और स्टोरी मिशन में ये दो कैरेक्टर सबसे पहले आपको मिलेंगे यूनिवर्सल टाइप में, तो इन सबको पहले लो, और ब्लैक पैंथर को चाहो तो बाद में ले सकते हो, लेकिन इन दोनों को पहले लेना, ब्लैक बोल्ट और थॉर को। थॉर ब्लैक बोल्ट तो दे देगा आपको 30% एनर्जी अटैक, जो कि थॉर को पावर इंक्रीज करने के लिए काफ़ी है, और आयरन मैन की भी, जो भी ब्लास्ट टाइप कैरेक्टर है एनर्जी अटैक टाइप, उनकी पावर बढ़ाने के लिए ब्लैक बोल्ट का कैरेक्टर जो है लीडरशिप का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग शिक्षा करके मास्टर के साथ। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोल्सन, और ये जो कैरेक्टर है आपको दिखाता हूँ बड़ा करके, इसका नाम है लिकोनिंग कैम्बेबल। ये कैरेक्टर थॉर की लाइटनिंग डैमेज 60% या 70% इंक्रीज कर देगा, चलो जाके देख लेते हैं एक बार, चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये रेरा, यहाँ पर इसकी लीडरशिप देख लेते हैं हम लोग, इसकी लीडरशिप है 60% लाइटनिंग डैमेज इंक्रीज, तो ये थॉर की लाइटनिंग डैमेज को 60% बढ़ा देता है, तो इस कैरेक्टर का आप लोग शिक्षा करके मास्टरी करके थॉर के लिए सपोर्ट कैरेक्टर टीम के हिसाब से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में पहुंच गए चैप्टर 10 में। अब चैप्टर 10 में यहाँ पर मिलता है ये डेथलॉक कैरेक्टर, कंटिन्यू 3 चैप्टर में, इसका बायोमेट्रिक्स हासिल कर लो, इसको भी शिक्षा कर लो, 30% एनर्जी अटैक, सपोर्ट टीम के लिए ये भी अच्छा कैरेक्टर है, सपोर्ट टीम के लिए बोला मैंने, लड़ने के लिए ले। उसके बाद में चैप्टर 11, थोड़ा यहाँ पर पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कार्ड भी अच्छे चाहिए, अलायंस भी अच्छा चाहिए, कैरेक्टर में जो आई स्वेट है, अपग्रेड है, ऑब्लिस्क है, सब कुछ अच्छा अच्छा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा पावर बढ़नी चाहिए यहाँ पर, और ज़्यादा कार्ड वगैरह बाकी सबको आपको बढ़ाना पड़ेगा। टायर 3 मेरे ख्याल से आपको लगभग टायर 3 कैरेक्टर बना लेने चाहिए, कैप्टन हो गया, थॉर हो गया, उसके बाद में आयरन मैन, ये टायर 3 कैरेक्टर आपको लगेंगे इस स्टेज में, स्पाइडरमैन वगैरह सपोर्ट टीम के लिए। उसके बाद में चैप्टर 13, बस यहाँ तक पहुँच गए तो इसके आगे आप लोग जा सकते हो, एक बार यहाँ तक पहुँच गए तो इसके आगे आप लोग जा सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, इतनी आपके पास ताकत हो जाएगी अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो।
तो ये थी छोटी सी स्मॉल टिप आपको, जब आप गेम स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर चुके हो, तो आप लोग किस तरीके से करोगे, किस कैरेक्टर को आपको सबसे पहले लेना है, किस कैरेक्टर को आप लोग सबसे पहले टायर टू करोगे, पावरफुल करोगे, बेसिक कैरेक्टर पहले टीम रेडी करो, उसके बाद में अल्टीमेट वर्ल्ड बॉस के लिए अपनी टीम रेडी करके लेके जाओ, तो ये बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। शेयर करना मत भूलना, शेयर आजकल बहुत कम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका शेरन रॉजर्स जैसे कैरेक्टर लेना मत भूलना, भले मैंने बोला ना हो लेकिन लेना मत भूलना, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है विदाउट यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों इसमें काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस कैरेक्टर को समझो चूज़ करते हो बाकी के कैरेक्टर को उनके लेवल पर लाने के लिए, तो ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छी है आपको स्टार्टिंग में हेल्प करने के लिए या मदद लेने के लिए, काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है। स्किल्स वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। स्किल रोटेशन का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था स्किल रोटेशन क्या है, तो उसका भी इस्तेमाल करके आप लोग काफ़ी अच्छे ज़्यादा स्टेजेस पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। कोल्सन, वास्प, ग्रूट ऐसे कैरेक्टर को लेना मत भूलना, और टोकन से एंटमैन और अल्सा ब्लूस्टोन ऐसे कैरेक्टर को लेना मत भूलना। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।